तो आज के इस वीडियो में आपको बेसिकली मैंने इस वीडियो को कुछ कुछ पार्ट्स में बांटा है। तो पहला पार्ट ये है जिसमें हम आपको एड्रेस बताएंगे, दूसरे में हम फिर आपको बताएंगे टाइमिंग यहाँ पे, फिर मेन्यू क्या है, फूड क्या है और कैसा इंटीरियर है, मतलब प्लेन के अंदर का कैसा इंटीरियर एक्सटीरियर जो भी है वो अभी आपको हम दिखाने वाले। बाहर से कुछ ऐसा नजारा है, जो सामने आपको दिख रहा है वो काउंटर है जहाँ से आप 350 देकर आपका बोर्डिंग पास कलेक्ट करोगे। तो अब हम अंदर काउंटर पे आ गए हैं, अब आप देखो हमने कैसे अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया। सो व्हाट्स योर नेम? योगेश यादव। सर अपना नंबर दिए सर? 96। कितने लोग हैं सर? दो लोग हैं। विंग्स में रखोगे या बाहर रखोगे सर? अंदर वेटिंग में डाल दो। आप अंदर बैठना है, वीडियो शूट करना है। सर जैसे होगा तो मैं आपको पेमेंट कार्ड है। 700 में खाना इंक्लूडेड है या फिर? नहीं सर, आपको जितना भी बिल होगा ना सर, उसमें से आपको 700 रुपये माइनस हो जाएंगे। अच्छा अच्छा सर, मैं आपका नाम ले लूँगा सर, वो बोल लूँगा जब खाली होगा। ये सर बेटे ये सर, थैंक यू सर, थैंक यू फ्लाइट सर। सो हे गाइस, कैसे आप सब? तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रापची ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में जैसा कि आप सबको मेरे पीछे ऐसा दिख रहा होगा, ये हाई फ्लाई नाम से यहाँ पे एक रेस्टोरेंट चालू हुआ है। मतलब ऐसे टोटल सिर्फ 9 रेस्टोरेंट है पूरे के पूरे मतलब वर्ल्ड में, और इंडिया का ये चौथा है और अपने गुजरात का ये पहला है। तो यहाँ पे हम आए, मतलब सुबह भी आए थे आज, क्योंकि इसका ओपनिंग था। सुबह आए थे तो हमको दोपहर हो गई थी थोड़ी सी, तो ये क्लोज़ हो गया था, तो हमें बोला गया 6:30 बजे के बाद आना, तो हम 6:30 बजे के बाद आए। तो पहले आप लोगों को मैं थोड़ी सी एक डिटेल दे देता हूँ इसके बारे में, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए। ये जो प्लेन है ये स्क्रैप में मतलब बेंगलुरु से लिया था और वहाँ से 1,40,00,000 का लिया, उसके बाद इन्वेस्ट किया, और अभी इसकी कीमत मतलब 2 करोड़ है लगभग। और ये पूरा एरिया जो लोकेलिटी है यहाँ पे, ये डेवलप होने में लगभग तो 1 साल लग गया, क्योंकि ये प्लेन काफ़ी पहले आ गया था, बट अभी जाके इसका इनॉग्रेशन हुआ है, अभी जाके ये खुला है। सो अभी जब हमने यहाँ से बोर्डिंग पास लिया उसके बाद हमको एक टेक्स्ट मैसेज भी आया, तो वो टेक्स्ट मैसेज भी हम आपको दिखा देते हैं। वो कुछ इस तरीके का मैसेज आया है। नाम सर? मेरा नाम राहुल दत्ता है। ओके, तो हमारे साथ राहुल दत्ता है जो कि यहाँ पर ही मतलब मैनेजर, यहाँ पे वो मैनेजर है। तो इनसे हम आपको बता देते हैं कि एक्चुअली मतलब देखिए, अभी हमने यहाँ से जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं तो बोर्डिंग पास हम कलेक्ट करते हैं ना, वैसे ही कुछ सीन है। तो बोर्डिंग पास हमको कलेक्ट करना होता है यहाँ पे आके, तो थोड़ा प्रोसेस समझा दीजिए हमारे व्यूवर्स को जो आए। जैसे अपना ये बोर्डिंग पास का सिस्टम है, हम बोर्डिंग पास ऐसा सिस्टम रखे हैं कि पर पर्सन अपना 350 रहेगा। जैसे सपोज 10 लोग आते हैं तो 3500 का उनका बोर्डिंग पास बनता है, लेकिन ऊपर जाके वो मेनू से कुछ भी खाना ऑर्डर करते हैं तो उसका सपोज 4000 बिल बनता है, तो उनको ओनली फॉर 500 रुपये ही देना है, अदरवाइज हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसमें से नहीं ले रहे हैं। और बाकी तो क्या है, एक्ट्रोमैक्स मतलब 1 घंटे का हम उसमें इसमें अलाउ करते हैं, 1 घंटा तक गेस्ट बैठ सकते हैं। अगर मेरे पास सीट अवेलेबल नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, उनको वेटिंग पे रखते हैं। जैसे ही सीट एलोकेट होता है वहाँ पे खाली होता है, तो हम उनको क्या करते हैं कि अनाउंसमेंट करके उसको सीट दे सकते हैं। अदरवाइज़ अपने पास विंग्स भी रखा हुआ है, विंग्स का भी सिस्टम है, विंग्स में 18 कैपेसिटी का विंग्स रखा हुआ है, और इधर अंदर जो है 106 का कवरिंग है अपना रेस्टोरेंट। लगा के ऐसे बिठाया गया है, देखो इतना बड़ा व्हील है। एंड देन यहाँ पे मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा मतलब किड्स के लिए यहाँ पे खेलने वगैरह के लिए ट्रैम्पोलिन वाला दिया गया है, तो यहाँ पे ऐसे बच्चे वगैरह अगर साथ में आए और आपका वेटिंग टाइम है तो यहाँ पे अच्छा खासा एरिया दिया गया है ताकि आप यहाँ पे अपना टाइम निकाल सको। एंड देन यहाँ पे भी बच्चों के लिए, किड्स के लिए वो पूरा वहाँ पे झूले लगे हुए, यहाँ पेरेंट्स बैठ सकते हैं ऐसा। इस साइड आपको दिख रहा होगा लेडीज़ वॉशरूम है और उस साइड है जेंट्स वॉशरूम, वहाँ से लेके आया ऐसा पूरा का पूरा विंग ने एरिया कवर कर रखा है। बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, उसका जो म्यूज़िक सुनाई दे रहा है उसका भी एक अलग जगह पे स्पीकर ऐसे फिट किया गया है, वो काफ़ी बढ़िया है, दिखाता हूँ आपको। ये जो पत्थर दिख रहा है ना, एक्चुअली इसके अंदर ही स्पीकर लगा हुआ है, और ये वहाँ पे भी है देखो, ऐसे करके चारों साइड पत्थर लगे हुए जहाँ जहाँ पे स्पीकर है और वो बज रहा है। तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा वहाँ पे जो विंग्स हैं, विंग्स के ऊपर भी चेयर और टेबल्स लगाए गए, तो जिसको भी वहाँ पे खाना हो तो वो बाहर बैठ के भी वहाँ पे खा सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कुछ लोग वहाँ पे खा रहे हैं, लेकिन हमको अंदर का दिखाना है तो जाहिर सी बात है हम अंदर जाके बैठ के खाने वाले। तो अभी देखो कब तक आता है हमारा नंबर, तब तक तो हम बस ऐसे घूम ही रहे। और बाकी ये एक मस्त सी चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये भाई साहब बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है, जो ये घूम रहा है ना ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा फाउंटेन है यहाँ पे, ये ऐसा मतलब मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा प्लेन हमारे ऊपर और ये रहा यहाँ पे ऐसा पूरा फाउंटेन। एड्रेस जो है वो है तरसाली बाईपास रोड, अगर आप आना चाहते हो तो हाई फ्लाई
लिख दो गूगल में और आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी, तो वैसे भी करके आप आ सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, जो कि बहुत ही बेटर रहे। सो फाइनली 1.5 hours वेट करने के बाद हमारा अभी नंबर आया है, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। चल आपको दिखाते हैं ऊपर कैसा है। सो आज फर्स्ट डे है, तो आज मतलब ऐसे भीड़ भाड़ हो सकती है, और हमें वीडियो बनाना है तो हमें फर्स्ट डे ही आना पड़ेगा। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार जब आप आओ तो आपको ऐसे भीड़ मिलेगी। ये व्यू है, अभी मेन्यू आएगा तो हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या ही खाने वाले हैं। बाकी आपको इंटीरियर दिख रहा होगा, इन कैबिन जैसा फ्लाइट का एकदम अंदर रहता है, सेम एस वैसा का वैसा ही है। सो अभी मेन्यू आ चुका है, लेट्स सी हम क्या मंगाते हैं। सो मेन्यू के सारे पेजेस की फ़ोटो मैंने आगे लगा दी है, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। तो कुछ इस टाइप की यहाँ पे सीट है जैसा कि दिख रहा होगा। अगर आपका वेटिंग में रहता है, उसके बाद जब आपकी कंफर्मेशन होगी तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा कि आपका सीट नंबर क्या है एंड रिजर्वेशन आपका कंफर्म हो गया है ऐसा। पहले हमने मंचाओ सूप मंगाया था, वो हमने इसलिए मंगाया था क्योंकि हम दोनों का ही गला ख़राब है। हम दोनों मतलब कोक या फिर कोई भी ठंडी चीज़ ऐसे नहीं पी सकते, तो हमने सोचा पहले शुरुआत थोड़ी सी ऐसे गर्म चीज़ से करें ताकि हमारे गले को राहत मिल जाए। तो अभी ये मंगाए, इसके बाद पिज़्ज़ा और टाकोस खाएंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा मार्गरीटा पिज़्ज़ा जो कि अभी आ गया है, एंड देन अभी लास्ट चीज़ जो बची है वो बची है टाकोस। सो गाइस फाइनली जितनी सारी चीज़ें हमने मंगाई थी वो सारी की सारी चीज़ें आ गई। हमने मंगाया था एक मार्गरीटा पिज़्ज़ा एंड देन टाकोस एंड अपना कौन सा सूप था, ये मंचाओ सूप था। तो ये सारी चीज़ें आ गई, टेस्ट बताते हैं आपको खा के कैसा है। सो अभी हमारा सूप ख़त्म होने वाला है, एंड जो सूप का टेस्ट है वो हमें अच्छा लगा है बहुत ही ज़्यादा। सो मार्गरीटा पिज़्ज़ा का जो टेस्ट है ओके है भाई साहब। बाकी मंचाओ सूप बहुत अच्छा था, ये इसका टेस्ट थोड़ा सा मतलब एवरेज है, ख़राब भी नहीं अच्छा भी। टैकोस का फर्स्ट बाइट हमने लिया तो हम भूल गए थे रिकॉर्डिंग करना, तो अभी आपको बता देते इसका भी जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। पिज़्ज़ा का बस थोड़ा सा एवरेज था, बाकी दोनों चीज़ों का टेस्ट मस्त लगा, सूप का और टैकोस का मस्त है। बंद कर दे भाई। तो जो हमारा बिल हुआ है वो हुआ है 895 का, तो 700 तो हमने पे कर दिए थे, तो अभी हमको पे करने हैं सिर्फ 195। तो टोटल 895 में हमने मिनरल वाटर, वेज मंचाओ सूप 1/2, टैकोस और मार्गरीटा पिज़्ज़ा, इतनी चीज़ें हमने खाई 895 में। सो फ्लाइट के सबसे लास्ट सेक्शन में मतलब पीछे साइड यहाँ पे किचन है, और बाकी आपको इंटीरियर दिख रहा होगा बहुत ही अच्छा, मतलब इंटीरियर तो काफ़ी ज़्यादा कूल है। जो वेटर वाला जो मैनेजमेंट है वो अच्छा था, बाहर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बाकी गुड है। अभी हम एग्जिट कर रहे हैं और बाकी हो गया अपना। एंड स्पेशली ये वाली चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है जो आपको दिख रहा होगा। जब हम आए थे तब बहुत ही कम लोग थे, और अभी आपको अगर हम दिखा दें तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक हो गई आज फर्स्ट डे पे। देखो आपको दिख रहा होगा चारों साइड पब्लिक ही यहाँ ऐसे पूरी। अभी 9:30 हो गए और हम आए थे 6:30 बजे। आई होप आप लोगों को आज वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, मतलब जितनी भी जानकारी मेरी तरफ से हुई कि आप लोगों को प्रोवाइड करी जाए उतनी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ इसमें एक लाइक कर देना, और जो भी वडोदरा वाले लोग हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो अपने भाई को। अब अपन मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I'm so happy.